हाय हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेरी वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा और आ गई हूँ आज एक फिर नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि बहुत टाइम से मैं दुर्गा पूजा की शॉपिंग कर रही हूँ और इस पर इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं आप लोगों को शॉपिंग जो है मेरी वो दिखा नहीं पाई, कुछ कुछ दिखाई ऊपर सारी नहीं दिखा पाई। तो मुझे आज वक्त मिला है, आज मैंने मोस्टली शॉपिंग दिखाने की ब्रेक लिया है और आपको मैंने मेरी साड़ियों का कलेक्शन दिखाया था। मैं आपको मेरे साइड बैग और पर्स का कलेक्शन दिखाऊंगी, साथ ही साथ मैं अपने सैंडल का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो सैंडल मैंने एक ही लिया, उसका कलेक्शन नहीं है। तो चलिए बहुत ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं आपको दिखाती हूँ सारे चीज़ों का कलेक्शन और आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो आपको सभी अच्छा लगेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा वक्त लेते हुए दिखाते हैं आपको मेरी आज की सारी शॉपिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो सैंडल जो कि मैंने लिया है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी मेरी सैंडल पसंद है। चलिए दिखाती हूँ आपको, मैम यहाँ पे देना, तो दिखाती हूँ वन मोर प्लीज। तो ये है मेरी सैंडल का कलेक्शन, बस एक ही है पर काफ़ी खूबसूरत सा है और ये हाई हील वाली सैंडल है और ये मैं लेके आई हूँ उस दिन मार्केट से। जब मैं आप लोगों ने देखा वो वीडियो तो उस दिन मैंने यही सैंडल को सेलेक्ट किया। तो आपको बताना है कि आपको अच्छी लगी या नहीं। ये है एक सैंडल का कलेक्शन। फिर अभी आपको दिखाती हूँ मेरे पर्सेस का कलेक्शन, क्योंकि उसमें है कलेक्शन क्योंकि सैंडल में नहीं था, वो एक ही लिया है मैंने। तो मैं जो मेरे पर्सेस लेती हूँ वो लेती हूँ वानिक एम्पोरियम से और ये जो वानिक एम्पोरियम है यहाँ पे आपको वैराइटीज और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आपको पर्सेस मिलेंगे और साइड बैग्स मिलेगी, हैंड पर्सेस मिलेंगे, वेडिंग पर्सेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो मैं मेरे पर्सनल कलेक्शन से लेती हूँ क्योंकि यहाँ के जो बैग्स होते हैं ना वो मतलब टिकाऊ होते हैं और मुझे तो अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे एक एक करके सारे पर्सेस। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिखाऊँ, दिस वन इज माई फर्स्ट कलेक्शन, तो काफ़ी सिंपल सा है और पिंक में है तो मेरा फेवरेट कलर है और मुझे यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है एक कलेक्शन और काफ़ी अच्छी है, छोटी सी है, इसको आप मोस्टली ऐसे लेके यूज़ कर सकते हो। तो ये है मेरा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पर्स और आई थिंक इसको मैं अष्टमी में यूज़ करूँगी, सप्तमी या अष्टमी में दुर्गा पूजा के मैं इस पर्स को सोच रही हूँ यूज़ कर लूँ। आपको दिखाती हूँ मेरा दूसरा कलेक्शन, तो ये भी है। अच्छा मैं उसका रेंज बता दूँ, वो मुझे 310 में मिल गया है, काफ़ी सस्ते में मिला, वो 310 रुपये का ही वो पर्स था और मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये कलेक्शन है और ये जो है मरून कलर पे है, बहुत ही सादा, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस कलर है और काफ़ी खूबसूरत सा है और इसकी जो हैंडल है ये भी काफ़ी अच्छी है, बीच में से एक चेन है और बहुत ही अच्छा है और इसका जो काम है ग्लेजी टाइप का है। लड़कियाँ बहुत आराम से इसको ऐसे यूज़ साइड में यूज़ करें या फिर इसको आप ऐसे हाथ में भी ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये पर्स। और इसका जो रेंज है ये हॉट सी इस मतलब कि इसका क्या हुआ है और इसका रेंज है 799। तो ये एक पर्स है, तो इसको आई थिंक मैं नवमी के दिन यूज़ करूँ और यहाँ पे विजयदशमी के बाद भी मूर्तियाँ रहती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। पता नहीं सर हो गया कि नहीं, दसवीं के बाद तक रहेगा कि नहीं, पर जब तक रहेगा तो हर दिन के लिए कलेक्शन तो मेरे पास है ही। तो ये एक कलेक्शन है, आई होप आपको ये पसंद आएगी। दिखाती हूँ मेरा और एक कलेक्शन, तो ये वाला जो है मम्मी को काफ़ी पसंद आया है और ये भी शॉप से ही लिया हुआ है पानी के बोरियम से और ये लाइट वाइट के साथ क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन और ये भी काफ़ी ग्लेजी है, बहुत ही खूबसूरत सा है और इसका बैक पोर्शन भी बहुत ही अच्छा है, घरा टाइप का शेप है इससे और ये भी सेम ही डिज़ाइन का है, मिडिल में एक चेन है और बहुत ही खूबसूरत है ये और ये भी हॉर्स सी का ही है और इसका रेंज है 830 रुपीज़, तो 830 रुपये पर बैग के और ये भी काफ़ी अच्छा है, हल्का सा है, काफ़ी भारी नहीं है बट काफ़ी टिकाऊ है और इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी स्टैंडर्ड एक लुक देगा आपको जब आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको बताना है कि आपको कौन सा वाला जो कलेक्शन है वो ज़्यादा पसंद आया है। बट नॉट द लिस्ट जो मैंने लिया है एक छोटा सा साइड पर्स, काफ़ी खूबसूरत सा और इसमें भी दो चेन है, मोबाइल भी आसानी से आ जाएगा, बहुत ही क्यूट सा है, कलर मेरा फेवरेट है, मेरे वॉल के कलर से मैच करता है और बस और एक साइड बैग बचा जो मैं आपको दिखाती हूँ वो भी पिंक में ही है। तो बस ऐसे ही लिया है मैंने कैजुअल यूज़ के लिए, इसको
भी मैंने कैजुअल इसके लिए लिया है, पर आपको बताना है कि ये कैसी लगी आपको, तो काफी क्यूट सी है। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा पर्स है, इसको मैंने 10 दिन पहले लिया हुआ था पर मुझे मौका नहीं मिला इसको पहले दिखाने का, तो अभी मैं दिखा रही हूँ सारे पर्सेस के साथ। तो ये एक पर्स कलेक्शन है और काफी अच्छा सा है, क्यूट सा है, छोटा सा है और इसमें ये का काम किया हुआ है। तो ये मैंने 450 में लिया था और ये लेदर का ही है, तो काफी अच्छा है और लेदर में भी ऐसे अगर कलर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे तो ये भी अच्छा लगा, बताना कौन सा आपको अच्छा लगा। ये जो एक पर्स है ये लास्ट टाइम मेरी एक सिस्टर की फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, सोनी दी ने, सोनी सास ने सिलीगुड़ी से, और वो मेरी व्यूअर भी हैं, तो ये उनका प्यार था, गिफ्ट था, जो कि लास्ट टाइम हम यूज़ नहीं कर पाए थे, तो इस साल हम इसे भी यूज़ करेंगे। और मेरी हर साड़ियों में गोल्डन का एक कॉम्बिनेशन किया हुआ है ना, जरी का काम है, तो ये सबके साथ मैच कर जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मोस्टली मेरी इस साल की जितनी भी पर्सेस है सारे ही मैच करेंगी और ये भी मैच कर जाएंगी। और अगर मैं रहूँ कोलकाता गर्ल और वहाँ पे मीठा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उस दिन मैंने जब वो केक शॉप में गई थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा, ये दो चॉकलेट भी ली मैंने, ये हार्ट शेप पर चॉकलेट है, तो इसका वीडियो मैंने देखा था और टीवी पे देखा था कुछ टाइम पहले ही, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए और मैंने ले भी लिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये हार्ट शेप वाला एक चॉकलेट है, उस दिन ही मैंने लिया, तो मुझे लगा ये भी मैं दिखाऊँ, सारी चीज़ें जब दिखा रही हूँ। तो श्रद्धा कपूर का एक मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक नॉट श्योर, बट उनके उस वीडियो से मतलब उनके उस वो से मैच कर रहा था। और ये पर का रेट पड़ा है 60 रुपीज़, नीचे यहाँ पे रेंज है तो 60 रुपये करके पड़े हैं, दो लिया मैंने, तो ये भी अच्छा ही है। ये छोटा सा वीडियो था मेरे सारे सामान के ऊपर, तो आप लोगों को बताना है कि मेरे सारे पर्सेस और मेरे सैंडल आपको कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियो को देखें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कोरोना का टाइम है, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो भी इंजॉय कर पाएंगे, अभी दुर्गा पूजा सामने आ रही है, तो इसलिए खुद को फिट रखना है और स्वस्थ रखना है। मेरी वीडियो को देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा खुश रहें। तो अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, एक नए वीडियो के साथ आपकी पूर्णिमा फिर हाजिर होगी, तब तक लीजिए अपनी पूर्णिमा को इजाज़त, नमस्ते, नमस्कार और मीठा वाला, बाय बाय।